हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमारे पास ये 10 सेंटेंसेस हैं और इन सभी सेंटेंसेस में जो है एक एक एरर है और जो एरर है वो नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, नाउन का एरर है तो हमें वो एरर फाइंड आउट करना है और सेंटेंस को सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है आई वॉन्ट टू ब्रेड्स, मेरे पास दो ब्रेड्स हैं। देखिए, देखने में सेंटेंस सही लगता है, इसमें कोई एरर नहीं लगता है, लेकिन जो ब्रेड होता है, ये ब्रेड जो नाउन होता है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसको इसकी जब आप क्वांटिटी बताना चाहते हैं तो आपको या तो इससे पहले स्लाइस लगाना पड़ेगा या लोफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्लाइस और लोफ के बाद ऑफ प्रीपोजिशन और फिर आपको ब्रेड लिखना पड़ेगा। आप ब्रेड्स भी नहीं लिख पाएंगे जब आप ब्रेड के साथ, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसके साथ एस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो आपको एस तो बिल्कुल नहीं लगाना है इसके साथ। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है और अगर आप इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, ठीक है ना, आप इसकी क्वांटिटी जो बताएंगे इसकी ब्रेड की, तो आप स्लाइस यूज कर सकते हैं, लोफ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको ऑफ प्रीपोजिशन यूज करनी होगी। और इससे पहले आप वो न्यूमेरल एडजेक्टिव रख दीजिए जितनी क्वांटिटी आप बताना चाहते हैं। जैसे दो क्वांटिटी बताना चाहते हैं तो टू लिख दीजिए, थ्री बताना चाहते हैं तो थ्री लिख दीजिए, ठीक है, वन बताना चाहते हैं तो यहाँ पर वन लिख दीजिए, ओके। लेकिन जब आप यहाँ पर एक से ज़्यादा लिखेंगे तो फिर आपको जो ये स्लाइस वर्ड है इसको भी प्लूरल करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको आपको प्लूरल करना पड़ेगा और स्लाइस का प्लूरल होता है स्लाइसिस और लोफ का प्लूरल हो जाएगा लोव्स। अब ये प्लूरल तभी करने हैं जब यहाँ पे आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव मिले, मतलब वन से ज़्यादा लिखा हुआ, मतलब टू थ्री फोर फाइव इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ ब्रेड को, तो हमें ब्रेड में से एस तो हटाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ इसकी जगह हमें ये लिखना पड़ेगा टू लोव्स ऑफ ब्रेड, ओके, ये लिखने पड़ेगा तब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में हमने क्या सीखा, इस सेंटेंस में हमने सीखा कि जो ब्रेड नाउन होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसको आपको काउंटेबल की तरह यूज नहीं करना है, इसको क्योंकि अनकाउंटेबल होता है तो इसको हमें प्लूरल भी नहीं बनाना है, जैसे यहाँ पे प्लूरल बना रखा है तो इसका प्लूरल नहीं बनाना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी बताना चाहते हैं तो आप इसके साथ स्लाइस और लोफ ये शब्द यूज कर सकते हैं, और कितनी क्वांटिटी बताना चाहते हैं वो इससे पहले लिखना है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस प्रकार बताना चाहते हैं। लेकिन अगर वन से ज़्यादा लिखेंगे तो इनको आपको प्लूरल करना पड़ेगा, जैसे स्लाइस है तो स्लाइसिस करना पड़ेगा, लोफ है तो लोव्स करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ब्रेड को सिंगुलर रखना है क्योंकि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर टू तो लिखा ही हुआ है, ओके, और ब्रेड को मैंने लिख दिया ब्रेड और इससे पहले इसकी क्वांटिटी क्योंकि टू है तो ये मैंने लिखने के लिए लोव को लोव्स कर दिया और ऑफ प्रीपोजिशन आपको लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है हिज लगेजेस आर एट द स्टेशन। अब इस सेंटेंस में जहाँ तक एरर का सवाल है वो देखिए कहाँ पे है इस सेंटेंस में एरर, तो इस सेंटेंस में देखिए इस वर्ड को देखिए लगेज, ओके, तो मैंने एक वीडियो बनाया था नाउन के ऊपर, उसमें मैंने कुछ ऐसे नाउन्स डिस्कस किए थे जिनके प्लूरल बनते नहीं हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया। ठीक है, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, अगर आप इनको प्लूरल बना दिया आपने तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो लगेजेस को आप लगेज लिख सकते हैं, लगेजेस नहीं लिख पाएंगे, तो इसमें से आपको जो एस है ना इसको हटाना पड़ेगा, लगेज। तो इस सेंटेंस में हमने क्या सीखा, इस सेंटेंस में सीखा कि जो लगेज वर्ड है इसको प्लूरल कभी नहीं लिखना है, इसको प्लूरल बनाने के लिए आपको इसके साथ एस वगैरह नहीं लगाना है कभी भी, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल होने की वजह से इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिए थर्ड, आई एम वील अप एट मैथमेटिक। अब देखिए वील अप का मतलब होता है परेशान, मतलब आई एम वील अप का मतलब है मैं परेशान हूँ, किससे परेशान हूँ, मैथमेटिक्स से। जब मैथमेटिक जो वर्ड होता है ये, इसको जब हम लिखते हैं तो इसके साथ एस लगाते हैं, ये ध्यान रखना, मैथमेटिक्स मतलब आपने ये पढ़े हुए कुछ नाउन जैसे पढ़े होंगे जो आई सी एस पे समाप्त होते हैं, तो मैथमेटिक्स भी उन्हीं में से है। जो मैथमेटिक्स अगर लिखेंगे आप तो इसके लास्ट में आई सी एस हमें लगाना पड़ेगा, तो आई सी तो लगा रखा है, हमें एस और लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे देखिए कैटल, और कैटल के साथ साथ इन सभी नाउन्स को देखिए मैंने लिख रखे हैं, कैटल, जेंट्री, क्लर्जी, कवैलरी, इन्फेंट्री, नोबिलिटी, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, एडमायरिलिटी, योमेंट्री। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले ही प्लूरल है, उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ये ऑलरेडी पहले प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, इनको आपको जबरदस्ती और प्लूरल नहीं बनाना है। जैसे अगर आप ऐसे लिखेंगे कैटल, ठीक है, तो कैटल तो ऑलरेडी प्लूरल है, दिखता ही सिंगुलर है लेकिन ये ऑलरेडी है प्लूरल, तो इसके साथ आपको एक तो एस नहीं लगाना है, ठीक है ना, और इनके साथ कभी भी ए या एन यूज नहीं होता, इन नाउन्स के साथ कभी ए एन यूज नहीं होता है क्योंकि ये प्लूरल है, तो कभी भी इनका प्लूरल बनाने के इनके साथ ज़बरदस्ती एस या एस नहीं लगता है। और ये
प्लूरल हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। तो जब ये प्लूरल हैं तो यहाँ पे एक कैटल भी देखिए प्लूरल ही होगा, ठीक है ना, ये भी प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगी हुई है, तो हमें इस की जगह क्या करना पड़ेगा, आर। ओके, नेक्स्ट देखिए, देर आर 10 एम ए इन आवर स्कूल। अब यहाँ पे एम ए जो है वो एक एब्रीवेशन है, तो जब भी हम एब्रीवेशन का प्लूरल बनाते हैं तो देखिए मैंने लिखा एम ए बी ए, ठीक है, इसको जब आप एब्रीवेशन है ये और इनको आप प्लूरल बनाएंगे तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता है। जैसे मैं कुछ और भी लिखता हूँ, जैसे एम पी लिखा मैंने, एम एल ए लिखा, ठीक है, ये एब्रीवेशन है, जब आप इनका प्लूरल बनाते हैं तो इनके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस। और हमें यह प्लूरल ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 है तो न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद हमेशा जाना प्लूरल आता है, तो हमें इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा और इसके साथ ये अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, तब ये एक सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव रेड मैनी पोइट्रीज। ये पोइट्रीज को हम कभी भी पोइट्रीज नहीं लिखते हैं, ये हमेशा पोइट्री लिखा जाता है, तो इसको हम हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे पोइट्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, मीजल्स आर ए डिजीज। मीजल्स जो वर्ड है ये एक बीमारी का नाम है, डिजीज़ का नाम है, हम सब जानते हैं, ठीक है। और ये जो मीजल्स है ये हमेशा सिंगुलर होता है, हालांकि दिखता है ये प्लूरल, इसके साथ एस लगा हुआ है, दिखता ऐसे जैसे प्लूरल हो लेकिन ये सिंगुलर होता है। अभी सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर चाहिए हमें, तो यहाँ पे इसको हटा के इज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सी हैज़ कर्ली हेयर्स। हम कह रहे हैं सी हैज़ कर्ली हेयर्स, उसके बाल घुंघराले हैं। अब उसके बाल घुंघराले हैं इसका मतलब सर के बालों का जिक्र हो रहा है, और सर के बालों का जब भी आप किसी के सर के बालों के बारे में बताओ तो इसका मतलब ये कभी भी प्लूरल नहीं लिखे जाते हैं, कभी भी हम इनको हेयर्स नहीं लिखते हैं, हमें यहाँ इसको हटाना पड़ेगा और हमें लिखना पड़ेगा हेयर। ओके, जब भी आप किसी के सर के बालों के जिक्र करते हो तो वो सर के बालों का जो जिक्र करते हो उसके लिए जो हेयर वर्ड लिखते हो वो कभी भी प्लूरल नहीं लिखा जाता है, हमेशा हेयर लिखा जाएगा, एस नहीं लगाना है आपको। और इसके अगर ये सब्जेक्ट हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आई रेन ए 100 मीटर्स रेस। देखिए ये जो सेंटेंस है ये हमारी पिछली एक्सरसाइज में भी आया था। देखिए एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है नाउन नाउन, ठीक है, एक नाउन होता है दूसरा भी नाउन होता है और इस नाउन से पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव होता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो नाउन है ये नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता है, कभी भी प्लूरल नहीं होता है, चाहे आप इसके सामने चाहिए आप इससे पहले 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, ठीक है, ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा, ये नाउन कभी प्लूरल नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए सेम यही स्ट्रक्चर है, एक तो नाउन ये है, एक नाउन ये है, नहीं ये तो न्यूमेरल एडजेक्टिव है, ये नाउन ये है, ठीक है, और इससे पहले ये न्यूमेरल एडजेक्टिव है ये, अब यह 100 लिखा हुआ है, ठीक है, 100 के बाद यहाँ पे मीट, ये जो नाउन है ना ये प्लूरल कर दिया गया है। देखो मैंने अभी क्या बताया था, ये जो नाउन होगा ये कभी प्लूरल नहीं होगा, तो इसको मीटर्स को मीटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, मीटर। नेक्स्ट देखिए, आई शाह ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, ठीक है ना, इस वर्ड को देखिए और इन वर्ड्स को देखिए, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में सेम यूज होते हैं, मतलब इनको आप सिंगुलर के लिए यूज़ कर लीजिए तभी भी आपको शिप ही लिखना पड़ेगा, एक शिप के लिए भी शिप लिखना पड़ेगा, एक से ज़्यादा शिप के लिए भी आपको शिप ही लिखना पड़ेगा, एक डियर के लिए भी आपको डियर ही लिखना पड़ेगा, एक से ज़्यादा डियर के लिए भी आपको डियर ही लिखना पड़ेगा, मतलब इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है ना, अगर आप इनको शिप लिखेंगे उसके बाद प्लूरल एस लगा के तो ये गलत हो जाएगा, इसी प्रकार से डियर के साथ एस लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है, अगर एक शिप है तो भी शिप ही लिखेंगे, और अगर एक से ज़्यादा शिप है मान लीजिए ये, तो इनके लिए भी शिप ही यूज होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ये शिप, इसके साथ एस लगाया हुआ है देखो, ठीक है ना, तो ये गलत है, यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, शिप। ओके, तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे 10 सेंटेंसेस। और अगर आपने नाउन के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है नाउन के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोज हैं बिल्कुल ईजी तरीके से सारे नाउन समझा रखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।